थूकने निकलो तो ढेर सारा कालापन और सन टैन हमारी स्किन के ऊपर ऐसे चढ़ जाता है जैसे लगता है कोई परत जम गई है। और ऐसे में अगर आप अपने चेहरे को कॉम्प्लेक्शन को निखारने के लिए कुछ सोचो भी लगाना तो क्या लगा कि भाई ये सन टैन चढ़ गया है, ये गर्मी की वजह से जो कालापन है, लाओ ये लगा लूँ, लाओ ये लगा लूँ। बट मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आलू। जी हाँ, आलू से आज आपको एक ऐसा बेहतरीन ट्रीटमेंट मैं बताने जा रही हूँ गाइस, जिससे आप ना सिर्फ अपने जिद्दी सन टैन को हटा पाएंगे, कालापन भी आपका हटेगा। अगर आपको गर्मियों में बहुत ज्यादा स्किन की डलनेस की प्रॉब्लम है वो आपकी जाने वाली है, चेहरे पे दाग धब्बे हटाएगा और स्किन टोन को आपके इवन करेगा। और गर्मियों में जो काली रंगत वाली प्रॉब्लम आपको होती है यानी चेहरे का कलर आपका डल हो जाता है, हाथ पैरों की स्किन काली पड़ जाती है, वो भी आपकी हटेगी। तो आज का फेशियल अगर आपने ये कर लिया तो मानो मैजिकल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं और एक मैजिकल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ताकि इस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ जाए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए यहाँ पे ऐसे ही वीडियो ऐसे ही कंटेंट में लेकर आती रहती हूँ, तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आपसे छूटे ना, मिस ना हो और आप घर बैठे उनका फायदा उठा सके। तो चलिए फटाफट से आज हम करते हैं आलू का ये फेशियल। तो आज के हमारे इस फेशियल का जो हीरो इंग्रेडिएंट है गाइस वो है आलू। आपको इस फेशियल को करने के लिए एक बड़ा आलू लेना होगा, पूरे 4 स्टेप हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप एक बड़ा आलू ले लें और उसको अच्छे से वॉश कर लें। हमारे किचन में मौजूद, हर घर में मौजूद ये आलू जो होता है ना गाइस, ये हमारी स्किन को ब्लीच करता है, सन टैन हटाता है, दाग धब्बों को हटाता है, किसी भी तरह के निशानों को ख़त्म करके स्किन की फेयरनेस को बढ़ाता है। तो यहाँ पर एक आलू लीजिए, उसको अच्छे से पील ऑफ कीजिए धोकर, और उसके बाद कद्दूकश की हेल्प से आपको इसको ग्रेट कर लेना है ताकि हमें आलू के लच्छे मिल जाए और आराम से हम इसका जूस निकाल सके। ठीक है, यहाँ पे छन्नी की मदद से दबाते हुए हम पूरा का पूरा एक आलू का रस इस बॉल में इकट्ठा कर लेंगे, और पूरा जूस निकालने के बाद ये जो आलू का बचा हुआ पार्ट है इसको हम फेंकेंगे नहीं। ठीक है, पहला स्टेप हम बनाएंगे अपने लिए क्लिंजर। तो क्लिंजर के लिए 2 चम्मच एक बॉल में आपको लेना है कच्चे आलू का रस, और यहाँ पे 2 चम्मच रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध आपको इसमें ऐड करना है। तकरीबन 1 चुटकी आपको इसमें ऐड करनी है वायलेट टर्मरिक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे पे गोल गोल घुमाते हुए अपने स्किन के ऊपर इसको लगाओगी और ये एक डी टैन ब्लीच का काम करेगा। ये आपके चेहरे से जितना भी डर्ट, पोल्यूशन, गंदगी, कालापन, मैल जमा है उसको हटाएगा और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन और ब्राइट कर देगा। और चेहरे पे अगर कोई मेकअप लगाए ना गाइस तो ये मेकअप को भी क्लीन कर देने वाला है। ये बेस्ट क्लींजर है, डी टैन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपको लगा के छोड़ना है, और 5 मिनट बाद जब आप अपने फेस को क्लीन करोगी तो आप पाओगी कि आपकी स्किन से जितना भी डलनेस थी वो चली गई है और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा चेहरा भी कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है इस डी टैन क्लींजर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेप के लिए आपको अभी फेस वॉश नहीं करना है, सेकेंड स्टेप हम अपना बनाएंगे। ये हम बनाने वाले हैं अपना बेहतरीन वाइटनिंग स्क्रब। तो यहाँ पे स्क्रब देखिए आप, मैंने यहाँ पे मसूर की दाल को पीस लिया है, लाल वाली जो दाल होती है रेड लेंटिन, उसको आपको पीस कर इस तरह से पाउडर फॉर्म में बनाकर स्टोर करके रख लेना है। और 2 चम्मच आपको लेना है मसूर दाल का पाउडर, और उसमें तकरीबन 1 चम्मच आप दही ऐड करेंगी, और आपको थोड़ा सा आलू का रस इसमें डालना है, और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये बेहतरीन हमारा वाइटनिंग स्क्रब बनकर तैयार है, जो कि हमारे चेहरे से जितने भी डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन की फेयरनेस भी बढ़ाएगा। और ये इतना कमाल का है ना गाइस कि ये आपके दाग धब्बों को भी हटाने का काम करता है, क्योंकि मसूर दाल हुई और आलू का रस हुआ, ये चेहरे से किसी भी तरह के दागों को हटाने का काम करता है, रामबाण तरीके से आपके चेहरे पर यह असर करेगा। और सच बता रही हूँ, जब आप इसको करोगे ना तो आपको खुद फील होगा कि हाँ आपकी स्किन के ऊपर कुछ तो मैजिक हुआ है। ठीक है, तो ये स्क्रब लेकर आप अपने पूरे फेस के ऊपर कीजिए, और यहाँ पे आपको हाथों से स्क्रब नहीं करना है, जो हमने कच्चे आलू के लच्छे बचा के रखे थे उसी से आपको अपने पूरे फेस के ऊपर इस तरह से मसाज करना है। ये एक बेहतरीन स्क्रब जो कि आपकी स्किन की सारी डलनेस को, जितना भी आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, सबको हटा देगा, साथ ही साथ आपके पोर्स को क्लीन कर देगा और पोर्स के अंदर जो छुपी हुई गंदगी है उनको निकाल कर बाहर कर देगा। ठीक है, तकरीबन 3 मिनट तक आप इस तरह से स्क्रब करेंगे, उसके बाद आप अपने फेस को जब क्लीन करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आपकी स्किन
चमकना शुरू हो गई है, जैसे आप मेरी स्किन के ऊपर शाइन देख रहे हो ना गाइस, कि इसे स्क्रब को करने के बाद कितना ज़बरदस्त तरीके से स्किन शाइनी हो गई है। ठीक है, तो अब हम अपना थर्ड स्टेप बनाएंगे। थर्ड स्टेप के लिए एक फेशियल क्रीम हम तैयार करेंगे जो कि आलू से ही होगी। अब यहाँ पे आपको लेना है आधा चम्मच तकरीबन एलोवेरा जेल, आप पपाया कुकुम्बर जेल भी ले सकते हैं। एक विटामिन ई का कैप्सूल आपको इसके अंदर ऐड करना है जो कि हमारे फेस के ऊपर ग्लो लेकर आएगा। और यहाँ पे आपको तकरीबन 2 चम्मच आलू का रस इसमें ऐड करना है। और तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे गाइज। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद आपके लिए एक बेहतरीन फेशियल क्रीम तैयार हो जाएगी जिससे हम अपने चेहरे पे मसाज करेंगे। मसाज के स्टेप ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। बट आपको मसाज का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको अपने चेहरे पे फेशियल स्टेप लेते हुए ये मसाज करना है। अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। जब भी आप कोई फेशियल करो ना तो हमेशा आपके हाथों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये जो फेशियल क्रीम है ये आपके डार्क सर्किल की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी है, कालेपन को हटाने के लिए भी बहुत अच्छी है, स्किन की डलनेस को ख़त्म करके सन टैन की प्रॉब्लम को भी हटाएगी और स्किन की फेयरनेस को ये बढ़ाएगी। स्पेशली गर्मियों में जो आपका चेहरे का रंग काला हो जाता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट आपको फेशियल स्टेप लेते हुए मसाज करना है और इस पूरी क्रीम को अपने चेहरे पे आपको एब्जॉर्ब कर लेना है। इसको हम वॉश नहीं करेंगे और हम एक वाइटनिंग पैक बनाएंगे अपने लिए। तो यहाँ पे जितना लास्ट में आपके पास बचा हुआ कच्चे आलू का रस होगा पूरा का पूरा हम इस्तेमाल कर लेंगे। और पहला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है बेसन, जो कि हमारे स्किन से कालेपन को हटाकर फेयरनेस को बढ़ाएगा। 1 चम्मच हमने बेसन ऐड किया, 1 चम्मच आपको लेना है सैंडलवुड पाउडर और यहाँ पे तकरीबन 2 चुटकी आपको लेनी है वाइल्ड टर्मरिक, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए हम रॉ मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। आप छाछ ले सकती हैं, दही ले सकती हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप ऐड कर सकती हैं या फिर सिर्फ रोज़ वाटर में भी आप इसको बना सकती हो, ठीक है। अच्छी कंसिस्टेंसी में एक बेहतरीन पैक हमारा बनकर तैयार है जो कि फेयरनेस के लिए है और ये सन टैन को हटाएगा, कालेपन को हटाएगा। और फेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो वो आगे आप देखना कि कितनी ज़बरदस्त फेयरनेस आने वाली है इस पैक से, ठीक है। तो आपको मसाज करने के बाद फेस को वॉश नहीं करना है और उसी फेस के ऊपर आपको अपने ये पैक लगा लेना है। पूरे फेस के ऊपर अच्छे से लगाइए, ये पैक आपके चेहरे की फेयरनेस को बढ़ाएगा और साथ ही साथ इतना ज़बरदस्त ग्लो लेकर आएगा। जब आप इस पूरे 4 स्टेप को फॉलो करोगी ना गाइस तो आप लास्ट में पाओगी कि ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्किन फेयर और ब्राइट हो गई है और जितना भी कालापन था वो तो अब रहा ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छी तरह से पैक मैंने लगाया और इसको तकरीबन मैंने छोड़ा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आपको गीला करना है इसको और अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाते हुए 2 मिनट का आपको मसाज लेना है। और उसके बाद इस तरह से जब आप मसाज करोगी तो हमारे स्किन का ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा। और चलिए आप देखते हैं इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे एक अंदर से शाइनी स्किन निकलती हुई आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ पे वाइटनिंग की अगर मैं बात करूँ ना गाइस तो वाइटनिंग इतनी ज़बरदस्त है, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी इस फेशियल को करने के बाद। यानी एक आलू से ये ऐसे रिजल्ट देने वाला फेशियल जिसने महंगे महंगे ट्रीटमेंट को भी फेल किया है। मैंने बहुत सारे फेशियल किए हैं बट इस फेशियल का जो रिजल्ट है ना वो इतना गजब का आया है कि आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि मेरे चेहरे का जितना भी कालापन था वो जैसे कहीं छूमंतर हो गया और स्किन इतना ज़्यादा वाइट और वाइब्रेंट लग रही है, इतना ग्लॉसी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी से छींटे मारते हुए अपने फेस को क्लीन कर लिया है गाइज। और क्लीन कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जब अपना चेहरा आप देखोगी तो आप बहुत खुश हो जाने वाली हो। इसके बाद आप लीजिए रोज़ वाटर, रोज़ वाटर से अपने चेहरे के ऊपर स्प्रे कर लीजिए ताकि हमारे जो पोर्स ओपन होकर हो गए हैं ना वो हमारे बंद हो जाएं, ठीक है। 5 मिनट बाद आप देखोगी कि आपकी स्किन अंदर से ग्लो करना शुरू हो गई है। स्किन का जितना कालापन था, डलनेस थी, सन टैन था, पिगमेंटेशन भी आपको लाइट होती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पे आप मेरा फेस देख सकते हैं विदाउट मेकअप कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। और ये ज़बरदस्त आलू की फेशियल ने इतना कमाल का रिजल्ट दिया है गाइस, मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस फेशियल को करके देखिए, आपको बहुत गजब के रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो
किसके किसके किचन में इस वक्त आलू मौजूद है? मेरे ख्याल से सभी के घर में आलू जरूर होगा, तो जल्दी से अपने किचन में जाइए, एक आलू उठाइए और कीजिए इस अमेजिंग फेशियल को। गाइस जितना भी सनटैन है ना वो आपका निकल जाएगा और आपका चेहरा बेदाग हो जाएगा। अगर दाग धब्बे चेहरे पे हैं वो भी आपके जाने वाले हैं, स्किन टोन इवन हो जाएगी और गर्मियों में आपका सनटैन वाला प्रॉब्लम है वो छूकर भी आपको नहीं होगा। जिद्दी से जिद्दी टैन को निकालने के लिए भी ये फेशियल बहुत अमेजिंग है। आप इसको अपने हैंड्स के ऊपर भी कर सकती हो, नेक एरिया पे भी कर सकती हो और इसका इस्तेमाल एज इट इज आप अपने पैरों के ऊपर या कहीं पे भी कालापन है उसको हटाने के लिए कर सकती हो, ठीक है। ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है और इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 बार कर सकती हो, यानी ये फेशियल इतना नेचुरल है कि आप इसका इस्तेमाल 2 बार हफ्ते में कर सकती है, बट 1 बार अगर करोगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो आज का ये आलू फेशियल कैसा लगा आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए और कौन कौन इस फेशियल को ट्राई करने जा रहा है ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ इस फेशियल को करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिला है ये फीडबैक जरूर जरूर आप मेरे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपके फीडबैक ना सिर्फ मेरे लिए हेल्पफुल होते हैं बल्कि मेरी और भी फैमिली है वो भी देखना चाहती है कि भाई इस रेमेडी का कैसा रिजल्ट मिला है, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, वक्त जैसे ही मिलता है मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। और साथ ही साथ चैनल के लिंक को प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में फैमिली में, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अपना थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं, प्लीज कनेक्ट रहिए मेरे साथ। आपके लिए निगार यहाँ पे ऐसे ही कंटेंट शेयर करती रहती है, ठीक है। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और इस आलू के फेशियल को करने के बाद इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए।